हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल डूइंग गुड। माय नेम इज़ अमन एंड आज मैं आपको लेके आया हूँ हिस्टोरिकल प्लेस पर, और ये जगह का नाम है दया फोर्ट। ओके, और ये है रसल खेमा में। रसल खेमा एक डिफरेंट स्टेट है यूएई का, जैसे दुबई है, अबूधाबी, शारजा वैसा ही है। ओके, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, बट एक्चुअली अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये जो फोर्ट है वो काफ़ी दूर है ऊपर, तो हमको अभी वहाँ जाना पड़ेगा ऊपर ये सीढ़ियों से। ओके, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बट एक्चुअली द थिंग इज़ अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे, यू नो, काफ़ी पसीना आ रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट द गुड टाइम टू गो अप बिकॉज इट्स अभी 4 बजे हैं सिर्फ, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़ा बाहर जाते हैं, यू नो, लाइक दूसरी जगह पर किधर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद में हम आएँगे वापस 5:30। तब तक थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा। ओके, और मैं आया हूँ सोनू के साथ। सोनू उधर थोड़ा बिजी है टेकिंग पिक्चर एंड ऑल। तो गाइज, एक्चुअली हम लोग उधर से निकले थे, हमने सोचा था कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे फोर्ट में, और हमने सोचा कि चलो आसपास के चक्कर लगाते हैं। और हम लोग गए और एक जगह थी कैमल फार्म, हमने सोचा कि वहाँ पर चलते हैं हम लोग, और वहाँ पर हम लोग जा नहीं सके। पता नहीं वो एरिया उन लोगों ने सील करके रखा था कुछ, तो उधर रहेगा कुछ काम वगैरह चला, प्रॉपर्टी कुछ, हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उसके बाद में हम लोग वैसे चक्कर काट रहे थे, हमें लगी भूख, फिर अब ये हम खाएंगे यहाँ से खाना जो कि स्पेशल होता है यूएई का। ओके, सॉरी सर, मेरा बिल खत्म हो गया, मेरा बिल ही लिया सर। ना वेजिटेबल ले लेना, वेजिटेबल ले लेना, वेजिटेबल ले लेना, सब्जी। ओके, मेरे लिए एक ऑमलेट सैंडविच, हाँ पर चिली नहीं चाहिए, सैलड नहीं चाहिए उसमें, प्लेन, हाँ परोठा में। ओके, सैलड में कुछ नहीं डाला, नहीं नहीं कुछ, थैंक यू। तो गाइस, आपको समझ में आया कुछ सोनू ने क्या बात किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज, अभी एक्चुअली मैं, यू नो, यूएई में दो चीज़ फेमस है, एक तो है चाय, चाय बहुत फेमस है यहाँ पर, और दूसरा है परोठा, अपना ऑमलेट पराठा, ये तो सबका फेवरेट है। आई मीन ये जो इजी, यू नो, कहीं पे भी मिल जाता है, यू नो। तो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं वापस, और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर फोर्ट में। ओके, ये फोर्ट वहाँ पर है, एंड एक्चुअली में अभी 5 बजे हैं, बट अभी भी, यू नो, लाइक उतनी ही गर्मी है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। और आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए सोनू? 2 मिनट लगेगा सोनू के लिए, 2 मिनट लगे, सोनू उड़ के जाएगा अभी। यहाँ पे काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, यू नो, लाइक यहाँ पर है, वहाँ पर, आपको पता नहीं मेरे को दिख रही है नहीं क्योंकि मैंने लेंस दूसरा लगाया है, और इधर भी है काफ़ी, यू नो, आप आई हो आपको दिख रही रहेंगी, ऊपर जा रही हैं, और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो सोनू। यू नो, ये वाला जो टावल है ना, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है और पसीना बहुत आ रहा है, यू नो, और अभी ये सोनू एकदम पूरा ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे अभी अभी स्विमिंग पूल से निकल के आया है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी हालत ये हो, इसलिए मैंने ये टावल मेरे साथ लेके आ गया। काफ़ी बड़ा है, बट इट्स ओके, इट्स गुड फॉर मी। एनी वेज, अभी आई थिंक हाफ वे हम लोग आ गए हैं और आधा अभी और बाकी है, सो लेट्स गो एंड देन शो यू। या तो गाइज़, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ये फोर्ट के ऊपर,
और इट्स रियली नाइस, काफ़ी ऊंचाई पे है ये, और आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ आने तक हालत ख़राब हो गई, मेरी सांस फूल रही है। और अभी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं बाय द वे यहाँ पर, यू नो, एंड यू नो यहाँ से व्यू अच्छा आता है, चारों तरफ का व्यू है। एंड वन मोर थिंग, यू नो दिस फोर्ट इज़ क्वाइट ओल्ड, ये 19th century से है, और ये UAE का इकलौता ऐसा फोर्ट है जो कि इतनी ऊंचाई पर है, यू नो, बाकी सारे फोर्ट जो भी हैं वो नीचे, और पहाड़ के उस तरफ कुछ यू नो लाइक घर हैं जो पुराने, जो रॉक से बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, वो भी है वहाँ पर। वहाँ पर अभी जा नहीं सकते क्योंकि वो एरिया थोड़ा सील किया हुआ है। ये एरिया भी अगर उस तरफ आप देखेंगे तो पूरा सील है, यू नो लाइक उन लोगों ने सील कर दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पाम के फार्म्स हैं, पाम ट्री फार्म्स, खजूर, यू नो इट्स रियली ऑसम, वेरी नाइस। और यहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, यू नो लाइक अभी मैंने देखा 4-5 गाड़ियाँ नीचे आई, और उससे पहले कि यहाँ पर क्राउड हो जाता मैंने सोचा कि चलो ऊपर जाते हैं और थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेते हैं। अभी मैं उसके ऊपर जाऊँगा। एनी वेज, सोनू अभी नीचे है, सोनू अभी तक ऊपर नहीं आ रहा है, वो थक गया एक्चुअली। लेट्स गो हियर एंड सी व्हाट इज इट। तो आप देख सकते हैं ये जो घर है, ये जो कमरा है, ओल्ड स्टाइल जैसे विलेज में होता था पहले, ये ऊपर यू नो, और जैसे कच्चे घर होते थे पहले, ये अंदर वैसा है ये दीवार। और यू नो ये डोर तो आपको पता होगा, अपने इंडिया में भी पुराने घरों में होते थे ये वाले, दैट्स व्हाई रिमेंबर दिस, इट्स नाइस, वेरी नाइस। एक कुछ तरफ है वो, उस तरफ वहाँ पर आप जा सकते हैं, उसकी सीढ़ियाँ कुछ बड़ी दिलचस्प ऊपर जाने के लिए। और यू नो ये वाला, ये पानी नीचे आने के लिए बरसात में, इट्स रियली नाइस ब्रो। और यहाँ पे सीढ़ियाँ कुछ ऐसी बनी हैं ऊपर जाने के लिए। काफ़ी छोटी सी जगह है, और एक आध मैंने कैमरा पकड़ा है इसलिए काफ़ी तकलीफ हुई ऊपर आने के लिए, बट इट्स रियली नाइस। दसू है यार, अमेजिंग। यू नो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, इसके ये जो फोर्ट है इसका जो दो हिस्से हैं, एक तो ये है एक उस तरफ है। उस तरफ जाने के लिए मेरे को रास्ता नहीं मिला, इधर ये छोटी सी सीढ़ियाँ थी और हम लोग ऊपर आ गए। अभी 3 जन थे हम लोग इधर इसके ऊपर, और एक्चुअली में यू नो ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, इसका जो रूफ़ है ना, जैसे हम लोग चल रहे थे थोड़ा हिल रहा था। तो अभी कुछ लोग और ऊपर आने वाले थे, कुछ ग्रुप वगैरह 4-5 जन का, तो हमने उनको मना कर दिया, हमने बोला कि प्लीज़ हमें 5 मिनट दीजिए, हम लोग नीचे आ रहे हैं, फिर उसके बाद में आ जाना। तो डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए, क्यों सुनो सोनू बिजी विद टेकिंग ड्रोन वीडियोस। एनी वे इट्स नाइस, बट एक्चुअली भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। यू नो अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई, मैंने देखा अभी काफ़ी सारे लोग आए। जब भी हम लोग आए थे तभी सिर्फ हम लोग 4 जन थे, बट अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 15-20 जन थे, और कुछ गाड़ियाँ अभी कुछ गाड़ियाँ वापस भी चली गई, और कुछ फैमिली से यहाँ तक आई थी वो भी वापस चली गई। एनी वेज, हम लोग भी अभी थोड़ा सा शूट करेंगे इधर, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे नीचे। ओके,
यहाँ से आप मोस्ट ऑफ द एरिया जो नियर बाई है वो आप देख सकते हैं, इट्स नाइस। अभी वेदर थोड़ा सेट हो रहा है, बेटर हो रहा है, एंड अभी हम लोगों ने यहाँ से ड्रोन शॉट लेना था, हमने ले लिया। अभी हम लोग जाएंगे नीचे, थोड़ा इधर एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे नीचे गाड़ी के पास और कुछ दूसरा एरिया हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे रसल खेमा में आज, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो अगर एक ही जगह पर आप होके वापस चले जाएँ तो दैट्स नॉट गुड आई थिंक। क्यों? या सो आई थिंक हमें चलना चाहिए नीचे। ओके वो ट्रिकी है ना, लाइक इसको काफ़ी ढंग से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट नीचे। और ये जो लकड़ी है ना, ये भी हिल रही है। बाप रे बाप, क्यों डराता है भाई? नो रियली, इट्स लाइक सी इट्स शेकिंग। गाइज अभी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा हो गया, सनसेट का टाइम है, सनसेट हो गया है एक्चुअली ऑलमोस्ट, एंड इट्स वेरी नाइस। अभी हवा चल रही है बहुत और मज़ा आ रहा है। अभी एक्चुअली मैं 5 मिनट हुआ हवा चलते हुए, पहले बहुत गर्मी थी। आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरे को बहुत सारा पसीना आ चुका है और मेरे साथ टावल है इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ हूँ मैं, अदरवाइज सोनू की हालत ख़राब है एकदम, पूरा गिला हो गया वो। एनीवेज अभी यहाँ पर कुछ लोग थे वो चले गए वापस और हम दोनों ही बचे यहाँ पर, और अभी हम लोग भी जाएंगे वापस क्योंकि हम लोगों ने देख लिया जो देखना था हमें, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा। और ये जो यू नो लाइक यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, यू नो इट्स वेरी नाइस। उस तरफ में मेरे को भी किसी बंदे ने बोला कि उस तरफ में एक्चुअली में यू नो लाइक रॉक विलेज हुआ था, जो पत्थर से बना हुआ गाँव वो था, और अभी वो लोग अभी वहाँ पर एक्चुअली उसको ना सील कर दिया है, कुछ तो होगा पता नहीं क्या रीज़न है, एंड इट्स नाइस एक्चुअली, व्यू इज़ रियली ऑसम। ओके, इस तरफ थोड़ा सा पानी है, सी है, समुंदर आई थिंक, और ये तरफ इस तरफ में पहाड़ है काफ़ी बड़े बड़े, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ओके, एंड इस तरफ काफ़ी सारे यू नो पाम ट्रीज वगैरह हैं, पाम ट्री फार्म वगैरह हैं, विच इज़ रियली गुड। एनीवेज अभी हम चलेंगे वापस। ओके, इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। देखते हैं अभी हम और कहाँ जा सकते हैं।